आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम के अगर बारे में हम बात करें तो नंबर सिस्टम सिंपल एक हमारा तरीका है किन्हीं चीज़ों को काउंट करने का। जैसे कि हम बात करें अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों ने चीज़ों को गिनने के अलग अलग तरीके खोजे हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लें, ये हमारा जैसे ब्राह्मी नंबर सिस्टम था, जिसमें हम चीज़ों को कुछ इस तरीके से बताते थे। अगर हमारे पास एक एक चीज़ होती तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। दो के लिए हम इस तरीके के निशान बनाते थे, चार के लिए ऐसा, और ये बाकी सारे निशान हैं। जैसे हिंदू, अगर हिंदू की बात करें या देवनागरी लिपि की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो उसमें ज़ीरो को कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता। इसी तरीके से हमारा अरबिक नंबर सिस्टम है, ये हमारा इसी तरीके से मॉडर्न नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम है, जिसमें नंबर्स को चीज़ों को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा माया नंबर सिस्टम था, जिसमें कि ज़ीरो को कुछ ऐसे, एक के लिए हम एक डॉट बना देते थे, दो के लिए दो डॉट बना देते थे, तीन के लिए डॉट बना देते थे। तो ये अलग अलग एक ही चीज़ है, बस ये नंबर सिस्टम में अलग अलग तरीके जिनमें हम चीज़ों को काउंट करते थे। अब अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरा होता हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल सिस्टम की बात करें तो नॉन पोजिशनल सिस्टम में हम एक ही तरीके की, मतलब किन्हीं चीज़ों को बताने के लिए एक ही वेरिएबल या फिर एक ही सिंबल का को लेते हैं। जैसे इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे स्टोन काउंटिंग, स्टोन नंबर सिस्टम होता है। इसके अलावा जो हमारा फिंगर नंबर सिस्टम होता है, और जैसे सिंपल लाइन नंबर सिस्टम होता है। जैसे हम स्टोन की बात करें तो हमें कुछ चीज़ें जैसे अगर काउंट करनी है, जैसे हमें कुछ चीज़ें देके रखी तो हम सिंपल उसे काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। अगर मैं 1 के लिए इसको उठा लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 के लिए अगर इसे उठा लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 के लिए इसे उठा लूँ या 2 के लिए इसे उठा लूँ, तो इसमें कोई इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हम सिंपल बात की हमने फिंगर नंबर सिस्टम की, तो अगर हमें किन्हीं चीज़ों को काउंट करना है तो हम उसे यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। हम चाहे तो उसे यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, हम चाहे 1 यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सिंपल इनमें जो बिट्स वगैरह होती, जो वेरिएबल, इसमें कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती किसी चीज़ के लिए, इसीलिए इसे नॉन पोजिशनल कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमें कुछ चीज़ें काउंट करनी है, तो ये हमने ले लिया, ये हम 1 द्वारा बता दिया, फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आई तो फिर हमने बता दिया 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, और जैसे एक और चीज़ आई तो हमने उसे उठा के 8 यहाँ काउंट कर लिया, 9 यहाँ काउंट कर लिया, 10, 11। अब इसमें अगर हम इनकी पोजीशन इधर उधर कर दें तो उससे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं इसको इसे उठा के यहाँ रख दूँ, इसे उठा के यहाँ रख दूँ, तो तब भी ये 9 है तो 9 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जबकि अगर हम पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा डिजिटल के अंतर्गत, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत हमारे पास अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम है, पर मेनली हम 4 नंबर सिस्टम को लेते हैं, जिसमें कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 10 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, 10 वेरिएबल्स कह सकते हैं, या तो 10 सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल मिला के 0 को अगर हम 0 को लेके काउंट करेंगे, टोटल हमारे पास 10 चीज़ें होती है।
पोजिशनल और नॉन पोजिशनल में अगर हम अंतर की बात करें, अगर हम एक नॉन पोजिशनल लें और एक पोजिशनल लें, तो सिंपल जैसे मान के चलिए नॉन पोजिशनल मैंने ये काउंटिंग ही 1 2 3 4 5 5 लेके रखा है। इसमें अगर अब मैं इनके वेरिएबल्स को अगर इनकी पोजिशन चेंज करूँ, मतलब इसको अगर मैं यहाँ रख दूँ, इसको उठा के यहाँ रख दूँ, इसको उठा के यहाँ रख दूँ, तब भी ये काउंटिंग में हमारा 5 ही होंगे। इसके बजाय अगर मैं पोजिशनल की बात करूँ, पोजिशनल में मान के चलिए मैंने 1 और 2 लेके रखा है, एक हमने काउंट किया, ये काउंट किया। अब अगर मैं इनकी पोजिशन चेंज कर दूँ, मतलब इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ कर दूँ और इसको यहाँ कर दूँ, तो इनकी जो क्वांटिटी होती है इसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता है। मतलब ये हमारा वैसे 12 होता है, ये हमारा 21 हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा पोजिशनल पोजिशनल और नॉन पोजिशनल में। इसके बाद अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, जैसे हम जो डिजिटल नंबर सिस्टम की बात करें, तो इसमें तो वैसे बहुत अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम आते हैं, पर मेनली हमारा 4 डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, ये 4 नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं। इनके तहत जो बेस और रेडिक्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बेस और रेडिक्स की बात करें तो इन नंबर सिस्टम में कितने वेरिएबल्स यूज़ होंगे या फिर होते हैं, ये हम बेस और रेडिक्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि हम डेसिमल की बात करें, तो डेसिमल में हमारा 10 वेरिएबल्स होते हैं। 10 वेरिएबल्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के हमारे 10 वेरिएबल होते हैं, इसलिए से हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल की बात करें, तो ऑक्टल का बेस या फिर रेडिक्स हमारा 7 होता है। इसमें हमारे 7 वेरिएबल्स यूज होते हैं, ऑक्टल मतलब 8। इसमें हमारे 8 वेरिएबल्स यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्साडेसिमल में हमारे हेक्साडेसिमल हमारा 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, हेक्सा और डेसिमल। इसमें टोटल मिला के हमारे 16 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, जिसमें कि 10 तो हमारे डेसिमल वाले ही रहते हैं, मतलब 0 1 2 3 9 तक 10 ही रहते हैं। बाकी जो हमारे 6 नए वेरिएबल होते हैं, वो हमारे होते हैं ए बी सी डी ई और एफ। इसकी बात करें, यहाँ पे हमारा ए मतलब 10 को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास अगर 10 चीज़ें हैं और उन्हें हमें बताना है कि लिख के बताना है, तो हम ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं पे हेक्साडेसिमल में डी रखा है, इसका मतलब हमारे पास 13 चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो हेक्साडेसिमल होता है, इसमें 16 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। बाइनरी की बात करें, तो बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2, इसमें हमारा 0 और 1 वेरिएबल यूज़ होता है, इसलिए से बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये था हमारा नंबर सिस्टम और पेस।